Good morning, students. My name is Nitish Shakaru from your computer department. This is our lecture of mobile application development. Okay, so in our previous lecture, we completed our first unit. Okay, that is Android and its tool. So in that lecture, what we learn, we learn about the Android, and then different versions of Android, Android architectures. Okay and we see in the simple example uh, how to create android application that display the hello world ok so this all the topics we covered in our previous uh, unit ok so today we are going to start our second unit that is installation and configuration of android ok so uh, in this lecture uh, so in this uh, uh, unit what we learn uh, we learn about different uh, com uh, tools that is used for developing the Android application okay and then we learn how to install our Android and how to configure an Android okay uh, so first of all today we will start with what is um, which are the operating system that is used for the Android then what is java SDK and Android SDK okay so these topics uh, today we are going to cover in this lecture. नो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल स्टार्ट विथ एंड्रॉयड स्टूडियो नो एंड्रॉयड स्टूडियो क्या होता है हम लोग ने एंड्रॉयड uh, स्टूडियो के बारे में पढ़ा है हमारे प्रीवियस लेशन में ओके okay, यूनिट में तो so, पहले देखा हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इज अ गूगल ऑफिशियली सपोर्टेड आई डी ई दैट इज़ डेवलपमेंट एनवायरमेंट फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड ऐप देखो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो इज अ गूगल सपोर्टेड एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरमेंट है जो कौन से किसके लिए बेसिकली यूज़ होता है फॉर द डेवलपिंग आवर एंड्रॉयड ऐप जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो बेसिकली यूज़ होता है फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड ऐप ओके सो यहाँ पे जो हमारा एंड्रॉयड है दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस दैट इज़ सपोर्टेड बाय द गूगल सो वो किस पे बिल्ड होता है ऑन अ लिनक्स कॉर्नर देखो यहाँ पे कि एंड्रॉयड के बारे में हम लोग ने पढ़ा है ओके okay? तो एंड्रॉयड क्या होता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके लिए यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन्स के लिए किसने डेवलप किया था वो गूगल ने और वो कैसे वर्क करता है ऑन अ लिनक्स कॉर्नर ओके सो ये एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरमेंट है ओके okay? जो यूज़ होता है फॉर डेवलपिंग आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस ओके सो ये जो हमारा यूनिट है उसमें हम लोग जो भी हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के कंपोनेंट है फॉर एग्जाम्पल जावा जे डी के है देन एंड्रॉयड एच डी के है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ओके okay? सो so, पहले देखो कि टू डेवलप और एंड्रॉयड एप्लीकेशन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी रिक्वायर सो टू डेवलप एन एंड्रॉयड प्रोग्राम द नेसेसरी सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ इन कंप्यूटर कैन बी एज़ फॉलो मतलब कौन से कौन से आ, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है टू डेवलप और एंड्रॉयड प्रोग्राम तो फोर्स विंडो एक्सपी जो हमारा विंडो एक्सपी रहेगा दैट वुड बी द थर्टी टू बीट वो कैसा होना चाहिए थर्टी टू बीट देन विस्टा दैट इज़ ऑल्सो थर्टी टू बीट और सिक्सटी फोर बीट देन विंडोज सेवन पे हम लोग को करना है विंडोज सेवन शुड बी थर्टी टू बीट और सिक्सटी फोर बीट देन इन विंडोज़ एट एंड टेन इट इज़ ऑल्सो थर्टी टू बीट एंड सिक्सटी फोर बीट एंड द सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम देट इज़ मैको एज मैको इज एक्स सो मैको इज एक्स दैट इज़ वर्जन अबाउ टेन पॉइंट फाइव पॉइंट एट और लेटर ओके देन इन लिनक्स नाउ इन लिनक्स देट इज़ द ओबन टू लिनक्स वर्जन दैट इज एट पॉइंट जीरो फोर एंड लेटर एंड जी एन यू सी लाइब्रेरी दैट इज टू पॉइंट सेवन और लेटर देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करनी है विंडोज पे ओके तो फॉर एग्जाम्पल विंडो सेवन पे हो तो वो थर्टी टू बीट या सिक्सटी फोर बीट होना चाहिए सिमिलरली जब हम लोग को मैक एस पे करना है देन उसका वर्जन होना चाहिए टेन पॉइंट फाइव पॉइंट एट देन लिनक्स पे हो तो उसका वर्ज़न होना चाहिए एट पॉइंट ज़ीरो फोर और उसके बाद का ओके सो दिस आर द सम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ सपोर्ट टू डेवलप और एंड्रॉयड एप्लीकेशन ना देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जावा जे डी के ना जावा जे डी के क्या है एन एंड्रॉड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम इज़ डेवलप इन अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो यहाँ पे कि जो भी हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो डेवलप होता है इन अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो यहाँ पे uh, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारा जावा डेवलपमेंट किट दैट इज़ जे डी के इन अवर कॉम्प्यूटर जो ये जो जे डी के है वो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आ, सो यहाँ पे जे के इंक्लूड इन द जावासी रन टैम देखो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो डेवलप होता है ना जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसके लिए उसको हम लोग को क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा जे डी के दैट इज जावा डेवलपमेंट किट ओके और ये जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है okay so Android Studio use the Java tool chain to build, so we need to make sure that we have the Java Development Kit installed on the computer before we starting our Android Studio. So जब भी Android Studio हम लोग को use करना है और जब Android Studio start करने से पहले हम लोग को क्या ensure करना पड़ेगा कि हमारा जो computer है उसमें JDK install है कि नहीं। अगर आपका JDK install नहीं है आपके computer में, then Uh, आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन नहीं होगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू यू हैव टू इंस्टॉल दिस जावा जेडी के टू रन योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन देन नेक्स्ट है एंड्रॉयड एसडी के ना एंड्रॉयड एस टी के क्या है द एड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट अलाउ डेवलपर टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म देखो हम लोग ने जावा uh, एप्लीकेशन को रन करना है तो हम लोग ने देखा जे डी के सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आप लोग को क्रिएट करना है एप्लीकेशन हमारे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं देन दिस एंड्रॉयड डेवलपमेंट किट दैट इज एस डी सो एंड्रॉयड एस के इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द एंड्रॉयड विच इज़ इंस्टॉल देखो ये जो हमारा एंड्रॉयड एस के है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपिंग एनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओके सो so बेसिकली ये जो एंड्रॉयड एस टी के है दैट इज़ आवर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट उस वो क्या करता है वो यूज़र को डेवलपर को अलाउ करता है टू क्रिएट अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसकी हेल्प से हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पे एंड्रॉड एस टी के प्रोवाइड टू टेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब ये जो हमारा एंड्रॉयड एस टी के है उसकी मदद मतलब से हम लोग को कौन से कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड्रॉयड एस के हम लोग हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको टेस्ट कर सकते हैं देन वी कैन यूज़ अवर ए पी आई लाइब्रेरीज देन एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं देन डॉक्यूमेंटेश क्रिएट कर सकते हैं वी कैन क्रिएट अ सैम्पल कोड्स देन डेवलपर टूल्स एंड ट्यूटोरियल विच हेल्प टू बिल्ड टेस्ट एंड डिबक द एप फॉर द एंड्रॉयड ओके तो एंड्रॉयड एस टी के है उसमें क्या क्या है uh, तो देखो है, यहाँ पर आप लोग को जो ग्राफ इमेज दिए है उसमें आप लोग को कौन से कौन से कंपोनेंट दिख रहे हैं एंड्रॉयड एस टी के तो फर्स्ट है आपके डिबगर ओके दूसरा है लाइब्रेरीज फिर इमुलेटर्स डॉक्यूमेंटेशन देन सैम्पल कोड्स एंड ट्यूटोरियल्स ये सारे कंपोनेंट किस में अवेलेबल है एंड्रॉय एस टी के में तो ये जो सारे कंपोनेंट है उसको यूज़ करके हम लोग हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं फिर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं ओके और जब भी हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग ने डेवलप किए उसको डिबग भी कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट दैट आर अवेलेबल इन अवर एंड्रॉइड एस के ओके सो जो हमारा एंड्रॉयड एस के है वो प्रोवाइड करता है टूल्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेवलपर टू क्रिएट एप्लीकेशन ऑन द एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म और यूजिंग द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो यहाँ पे जो एंड्रॉयड एस है वो क्या प्रोवाइड करता है वो टूल्स प्रोवाइड करता है और दूसरा क्या प्रोवाइड करता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज़ ए पी आई दूसरा क्या प्रोवाइड करता है ए पी आई प्रोवाइड करता है जिससे क्या होगा कि जो भी डेवलपर है वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है और कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके ओके सो जिस एंड्रॉयड एच डी के कैन बी डाउनलोड फ्रॉम दिस this https पी एस लेवलपर डॉट एंड्रॉयड डॉट को डॉट स्टूडियो ओके ये एक यहाँ पे लिंक दी है जिस लिंक पे जाके आप लोग एंड्रॉयड एस टी के डाउनलोड कर सकते हो ओके okay? सो so, ये जो हमारा एंड्रॉयड एस डी के है वो दैट इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर वो भी फ्री सॉफ्टवेयर है ओके सो वी कैन फाइंड एंड्रॉयड एस टी के इन जी फाइल देखो यहाँ पे कि जब भी हम लोग एस टी के डाउनलोड करेंगे ये जो लिंक दी है उसमें से तो जो एंड्रॉयड एस रहेगा दैट इज़ द जिप फाइल तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को जिप फाइल को अनजिप करेंगे और उसके जो भी फोल्डर्स है वो वहाँ से क्रिएट uh, करेंगे एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट द एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस विद एंड्रॉयड फाइव एंड्रॉयड एस टी के विच रन इन द इम देखो एंड्रॉयड एस टी के है तो उसकी मदद से हम लोग जो, हम लो, जो हमारा ए वी डी दट इज़ एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम लोग किस में रन करेंगे इमुलेटर पे रन करेंगे ओके सो so, जो हमारा एंड्रॉयड एस के रहेगा उसका दो पार्ट्स है मिली टू पार्ट्स है तो फर्स्ट पार्ट वो है टूल्स और दूसरा है पैकेज आ, देखो एंड्रॉयड एस के में मैंने अभी बताया कि वो दो पार्ट्स है मेन दो पार्ट्स हैं उसके एक तो टूल्स है दूसरा है पैकेजेस तो फर्स्ट जब लोग हम लोग एस के इंस्टॉल करते हैं सो so, तब हम लोग को जो बेसिक टूल्स है वो मिलते हैं देन दिस आर एग्जीक्यूटेबल एंड सपोर्टिंग फाइल दैट विल हेल्प टू डेवलप एप्लीकेशन तो जब भी हम लोग एंड्रॉय एवर्टी के इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में देन उसके बाद हम उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है टूल्स एंड पैकेजेस ओके तो ये, जो टूल्स एंड पैकेजेस हैं वो हम लोग को हेल्पफुल है फॉर एक्जीक्यूट और सपोर्ट डेवलप और एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओके सो बेसिकली एंड्रॉयड एस टी के क्या है कि एंड्रॉड एस टी के uh, एक और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो हेल्प करता है टू क्रिएट अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस ओके दिन नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड नव एंड्रॉयड के फ़ीचर्स क्या क्या रहेंगे तो फर्स्ट फीचर है नो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट फ्री जो एंड्रॉयड एस के है ओके okay? uh, उसका फ़ीचर्स क्या है कि उसका कोई भी लाइसेंस नहीं है ओके okay? फिर वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओके देन दूसरा उसका आ, फीचर क्या रहेगा कि वाईफाई हार्डवेयर एक्सेस तो नेक्स्ट फीचर ऑफ एंड्रॉइड एस टी के दैट इज़ वाई फाई हार्डवेयर एक्सेस तो देन थर्ड फीचर दैट इज़ आई पी सी मैसेज पासिंग द नेक्स्ट फीचर इज शेयर डेटा स्टोर एंड द नेक्स्ट वन इज़ एन इंटीग्रेटेड ओपन सोर्स वेबकिट बेस्ड ब्राउज़र तो देखो तो ये जो हमारा एंड्रॉयड एस डी के है उसमें वो किसके साथ इंटीग्रेट है विद अ ओपन सोर्स वेबकिट बेस्ड ब्राउज़र के साथ जिससे मदद से हमारे uh, हमारे जो भी एंड्रॉड एप्लीकेशन है उसमें हम लोग फास्टर ब्राउजिंग कर सकते हैं देन सिक्स इट फुल्ली सपोर्ट फॉर द एप्लीकेशन दैट इंटीग्रेट मैप कंट्रोल एज अ पार्ट ऑफ देयर इंटरफेस सो ये जो एंड्रॉड एस के साथ जो मैप कंट्रोल का फीचर्स अवेलेबल है इंटीग्रेशन अवेलेबल है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे अपार्ट एप्लीकेशन में हम लोग मैप कंट्रोल ऐड कर सकते हैं देन सेवन पीयर टू पीयर सपोर्ट यूजिंग गूगल टॉक सो दिस आर द सम फीचर्स ऑफ आर आवर एंड्रॉयड एस डी के फर्स्ट इट हैज़ नो लाइसेंस देन इट हैज़ अ वाईफाई हार्डवेयर एक्सेस एंड देन आई पी सी मैसेज पासिंग सेड डेटा ओके सो दिस आर द सम फीचर्स ऑफ आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन देन नेक्स्ट हमारे तो एक टॉपिक है कि प्लेटफॉर्म यूज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग को रेयर करना है तो हम लोग कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर, तो यूज कर सकते हैं तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो देन नेक्स्ट है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज देन एवी डी मैनेजर ये क्लिप्स देन इंटेलिज देन नेक्स्ट है हमारा ए आई डी ओके तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट एनवायरमेंट है जो ये सारे टूल्स हैं ना उसके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ओके सो दिस इज़ द सर्च टाइप ऑफ एनवायरमेंट दैट वी कैन यूज़ फॉर डेवलपिंग अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब ये सारे जो टूल्स है और एनवायरमेंट है जो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर डेवलपिंग एनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा वी लर्न अबाउट जावा डेवलपमेंट किट देन वॉट इज़ एंड्रॉयड एस डी के तो एंड्रॉयड एस डी के क्या है बेसिकली कि एंड्रॉय एस टी के ये जो यूज़ होता है फॉर द डेवलपिंग अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन और जावा एस टी के दैट इज़ यूज फॉर रनिंग आवर जावा एप्लीकेशन सो कोई भी एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोग को आपको कंप्यूटर में स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या इंस्टॉल करना पड़ता है दैट इज़ जावा डेवलपमेंट किट ओके सो ये जो एंड्रॉयड एस टी के एंड सॉरी जावा एंड्रॉयड एस टी के एंड जावा जे डी के ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के तो कोई भी जब भी हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में तो उससे पहले हम लोग को ये दो टूल जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमारे कंप्यूटर में ओके सो सो आई होप यू आर अनशेयर अवर टूडेज़ टॉपिक थैंक यू